हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई चैनल हाउस लाइफ विद नीलम। और कैसे हो आप सब? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस टाइम सुबह के हो चुके हैं 11। मैं सारा काम करके चल पड़ी हूँ बाहर। आज जा रहे हैं एक लव स्टेडियम में। वो जो प्रतियोगिता आपको दो दिखाई थी ना, गांव की और शहर की, आज उनका फाइनल है। वहाँ से लाइव करके ला रहे हैं दोनों साथ में। ये भी जा रही है अपने बेटे को छोड़ के आई है घर पे। ठीक है, आगे जाके मिलते हैं आपसे। आ गए हम चार धर्मशाला में और पहुंच गए हैं। देखो जा रहे हैं रास्ते में, बने रहना साथ के साथ वीडियो में। आज की वीडियो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जो लेडीज जीतती है ना, उन सब का आपस में कंपटीशन है। तो पूरी वीडियो देखना और मौसम का आज मज़ा लेना साथ में। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मी भी हो रही है, कुछ भी ठंड हो रही है। तो एक नंबर का मौसम हो रहा है। अभी पहुंच गए हैं स्टेडियम में और बहुत लेट आए हूँ आज। तो पिछली बार तो जल्दी आ गई थी, पता नहीं कोई गेम वगैरह हो लिए कि नहीं हो लिए। बैठे तो हैं, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। पहुंच गए हैं, शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच गई हूँ। जो अंदर एंट्री वाला है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, बने रहना साथ में। जिलाध्यक्ष श्री राजू मोर जी का हमारे डीटीओ मैडम श्रीमती सुलोचना कुंडू ने बैग चलाकर उनका यहाँ पहुँचने पर बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया है, जिसके लिए कि हम अपने डीटीओ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम। हमारे जो मटका रेस के फाइनल आने वाले जो कैंडिडेट हैं, 8 कैंडिडेट वहां पहुंच जाए प्लीज ट्रैक पे। हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री जी आने वाले प्रतिभागी को ऑल द बेस्ट जो है वो दी जाएगी। हमारा मटका रेस का फाइनल होने जा रहा है। और सभी आ रहे हैं मैडम, और वो भी आगे पहुंचा दीजिए। मटका रेस की जो फाइनलिस्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले हमारे फाइनलिस्ट हैं, उनकी उनके मटका रेस में पहला नंबर आई है। तो कैसा लग रहा है आपको? रोजे प्रैक्टिस अगर करें, अगर पे काम है। अच्छा, समरसिबल लग रहे हैं। निकाला अपना समय और हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने आने का एक बहुत ही कीमती समय हमें दिया। सभी तालियां बजाकर सर का अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हमारी मटका रेस के जो प्रतिभागी हैं, जो ये मटके आगे रखे हैं, कृपया इनको यहाँ स्टेज के पास ही रख जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसके बाद जो हमारी रेस के जो प्रतिभागी हैं, प्रथम द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पर हमारे डीपीओ मैडम, हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी बैच लगाकर हमारे सीएम डीजे मैडम का स्वागत कर रही हैं। कृपया जोरदार तालियों के साथ आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, जो हमारे दर्शक, हमारे जो वर्कर बैठे हैं, कृपया जोरदार तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिए। मेरी मां, मेरी मां।
सारा काम करके बाकी अभी लग रहे हैं इसका बेटे के चक्कर में जल्दी जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं पूरा करके जाती क्योंकि मेरा बेटा भूखा है, छोटे बच्चे वाले ने फिर यूं साथ में रहना पड़ा है। अभी चलते मेरे भी आन हो रहे हैं, थोड़े दिन हो गए हैं, अब चलो चलते हैं वापस घर ने भी जाके संभालना जाने में फिर जाके खाना पीना बनाना करना फिर लंच भी बनाना। तो भाई चल पड़े हैं घर की तरफ, रवाना हो गया घर जाके, भी ये जाके रोटी बनानी हो तो ये करना है, बच्चे हाथ हो रहे हैं फिर स्कूल बनाने जाकर लंच बनाना। शाम के बज गए हैं 6:30 और मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। वहाँ से आने के बाद मैंने पहले अपने ही खाना बनाया, दृष्टि आ गई थी साथ ही साथ स्कूल से, खाना बना के बच्चों को दे के ये सब काम करते करते चाय वगैरह बनाई, सब का खाने का बनाया, मेरे को भी बहुत भूख लग रही थी। वो सारे काम करके मैंने बज गई 5:00 के बाद फिर वकील साहब का फ़ोन आ गया, कहीं जाना पड़ गया था। मैं अब आई हूँ, आ कर बस सब्जी बनाई है और पैरा में ऐसा दर्द हो रहा है और कमर में ऐसा दर्द हो रहा है, पूरा दिन हो गया खड़े खड़े में। ये इतना सब्जी बनाओगे इतना मैं अपनी जोत बत्ती कर लूँ, आटा वगैरह बना दिया मैंने साथ ही साथ, बस अब इनके फुलके लगा दूँगी, इतना बन जाएगी भिंडी की सब्जी फटाफट, 5 से 7 मिनट में बन जाएगी भिंडी की सब्जी। तो कर लूँ मैं फटाफट, हर कपड़े पड़े हैं वैसे तो देखूँगी, टाइम लगे तो प्रेस करूँगी, नहीं लगे तो आज तो फिर रेस्ट करूँगी क्योंकि जमा हिम्मत को नहीं है ये प्रेस वगैरह करने की, तो तय वगैरह के रख करके रख दूंगी, प्रेस वाले सुबह देखूंगी और हो गए शरीर ने साथ दिया तो फिर कर दूंगी, देखते हैं क्या रहूँगा। अपना खाना रेडी है, रोटी है, भिंडी की सब्जी है, दूध है साथ में, दे दूंगी फटाफट। रात के हो गए 9:15 और मेरा सारा काम हो गया, निपटा दिया है मैंने फटाफट रख के, देखो सारी साफ सफाई पोछा लगा रखा गिल्ला है, करते बंद दृष्टि कर दिया होमवर्क। अब ये पता ही नहीं, इतना वहाँ भी करा ही काम, ट्यूशन पे भी आने के बाद भी रहता है इसका, अभी तक लग रही है मेरा सबका हो गया। और किल साहब देख रहे हैं मैच, अपनी इंडिया जीत गई है, ठीक है मैं अभी लगा लूं प्रेस, अब लगा लूं प्रेस फटाफट, प्रेस कर लूं साथ में करे तो, नहीं तो सवेरे फिर इतने, कल ना फिर इतने कपड़े हो जाएंगे, तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता है, सो नहीं रही है तो मैंने सोचा अपनी प्रेस से कर लूं मैं अपनी प्रेस। 11:30 का टाइम हो गया रात का और मेरे हो गए हैं कपड़े प्रेस, देखो ये सारे कर रखे हैं, हरप्रीत काम कर रहा है, उसने भी खाना खाया वो रखे उसके, तो भी हब कर लेते हैं सोने की तैयारी, वहाँ चल रहे हैं व्लॉग, आज के व्लॉग की करते हैं ये पेंडिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल